नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी ने शनिवार को अपने हजारों समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पूर्व महादेवा मिशन स्थित प्रधान कार्यालय से अपने हजारों समर्थकों के काफिले के साथ निकली और गांधी मैदान गई और वहां से संग्रहालय जा कर के जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान धरौधा विधायक करणजीत सिंह ब्यास सिंह, जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे सहित सभी प्रस्तावक और समर्थक मौजूद थे। इसके पश्चात गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, चिराग पासवान, जामा खान, अमरेंद्र कुमार पांडे आदि नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी उपस्थित हो गए। चिराग पासवान जी को सिवान की धड़कन है कि आप ही युवा भी है, आप युवाओं के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के दर्ज करा करके आप लोगों ने नामांकन कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अमित शाह का बटन दबाना है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। बहुत देर भाषण देने से आप लोग कहां पर भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे भी हम लोग तो रोज मिलते जुलते रहेंगे। अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा आना जाना लगा रहेगा, इसलिए आने वाले 25 तारीख को तिरछाप का बटन दबाना है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताना है ताकि मोदी जी का फिर से सरकार बने और देश में विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी लोग गांधी मैदान में आप आए हुए हैं, आप लोग सब बैठे नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग से यही अनुरोध है, आप लोग बहुत बहुत धूप में और तापमान भी बहुत ज्यादा है, आप लोग मेरे लिए बहुत आभारी हैं कि आप लोग बहुत बहुत आप लोग धूप में आकर के मेरे प्रति दिए। धन्यवाद।